हवाई और सड़क परिवहन के बाद पर्यटक अब नदियों के रास्ते भारत के शहरों में आना चाहते हैं। क्रूज गंगा विलास भारत में निर्मित ये पहला ऐसा रिवरशिप है जो काशी से डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबी क्रूज यात्रा कराएगा। ये यात्रा कुल 3200 किलोमीटर की होगी। 50 दिन का ये सफर भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगा। क्रूज को साल 2018 से प्रमोट किया जा रहा था और इसे 2020 में लॉन्च किया जाना था। हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण परियोजना में देरी हुई। बता दें कि 50 दिनों में लग्जरी बोट गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर सहित भारत में 27 नदियों की यात्रा करते हुए 3200 किलोमीटर की दूरी गंगा विलास क्रूज तय करेगा। गंगा विलास क्रूज सोमवार को वाराणसी पहुंचा। राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले रौना गांव के सामने गंगा विलास को रोक दिया गया। मंगलवार को रामनगर में क्रूज लंगर डालेगा। 12 जनवरी की रात क्रूज रविदास घाट पहुंचेगा। यहां से 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअल इसे हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि ये दुनिया में एक अनूठा क्रूज होगा और भारत में बढ़ते क्रूज पर्यटन का प्रतिबिंब होगा। गंगा विलास क्रूज की कुछ खास बातें हम आपको बताते हैं। ये क्रूज 62 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 1.4 मीटर के ड्राफ्ट के साथ चलता है। इसमें 3 डेक हैं। इस पर 36 पर्यटकों की क्षमता वाले बोट पर 18 स्वीट्स हैं। 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं, यात्रियों के लिए रेस्टोरेंट, म्यूजिक, जिम, स्पा, तमाम लग्जरी सुविधाएं इस क्रूज पर मौजूद है। 80 यात्रियों की क्षमता रखने वाला ये क्रूज साल 2018 से प्रमोट किया गया था। 50 से ज्यादा जगहों पर गंगा विलास रुकेगा, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल है। ये क्रूज सुंदरबन डेल्टा और कांजीरंगा नेशनल पार्क के पास से होकर गुजरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन।